श्री अर्जुन मेघवाल, धन्यवाद सभापति जी। मुझे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 अमेंडमेंट बिल 2009 के संबंध में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बहुत पुराने एक्ट और वर्षों बाद इसमें हो रहे अमेंडमेंट के बारे में और उसमें कुछ मुख्य सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस एक्ट में जो प्रस्तावित बिल है उसमें मुख्यतः चार प्रावधानों पे विशेष जोर दिया गया है। पहले परिभाषा चेंज की गई है, अब तक कर्मकार शब्द था, वर्कमैन शब्द था, उसको एम्प्लॉय किया गया है। यद्यपि एम्प्लॉय और वर्कमैन इसकी परिभाषा को लेकर के नेशनल लेबर कमीशन और आईएलओ की कन्वेंशन में भी थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी चूंकि ये आ गया है तो मैं मुख्यतः जो चार प्रावधान मुख्यतः किए गए उन पे ही ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहला ये प्रावधान किया गया है कि मृत्यु होने पर वर्तमान दर 80,000 रुपये, इसको बढ़ा करके 1,20,000 की गई है। परमानेंट डिसेबलमेंट होने पर, स्थायी रूप से अपंग होने पर वर्तमान दर 90,000 रुपये है, जिसको बढ़ा करके 1,40,000 की गई है। काम करते करते वर्कर की डेथ होने पर उसकी अंत्येष्टि के लिए वर्ष 2000 में एक अमेंडमेंट करके 1,000 से 2,500 किया गया था। 2000 के बाद ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें उस 2,500 से 5,000 कर रहे हैं। और चौथा, जो लेबर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी कि काम करने के दौरान जब कर्मकार बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए रिम्बर्समेंट की प्रावधान नहीं है, तो उस स्टैंडिंग कमेटी को ध्यान में रखते हुए रिम्बर्समेंट का प्रावधान इसमें किया गया है। मुख्यतः ये चार प्रावधानों पर केंद्रित बिल है, अमेंडमेंट बिल। मान्यवर, ये एक अकेला ऐसा कानून है जो वर्कमैन की सोशल सिक्योरिटी से संबंध रखता है और इस बिल पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विभिन्न संगठन इसमें काम करते हैं, उस संबंध में भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिक काम करते हैं, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए। संभवतः इसकी चर्चा नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो प्रावधान रखे गए हैं बहुत कम है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान दर 80,000 रुपये और प्रस्तावित दर 1,20,000, मैं मानता हूं कि ये मिनिमम है, लेकिन जो आपके एक्ट में पहले से ही जो एक कैप है 4,000 रुपये का, जब तक उस कैप को आप ठीक नहीं करेंगे तो ये बढ़ाना भी प्रासंगिक नहीं है। आपने उस एक्ट में ही ऐसा प्रावधान कर रखा है कि वेज लिमिट जो है वो 4,000 रुपए कर रखी है। जब तक आप उस वेज लिमिट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो ये प्रस्तावित दर की गई है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों में वैसे मृत्यु होने पे आप 1,20,000 दे रहे हो, स्थायी रूप से अपंग होने पर 1,40,000 दे रहे हो, इसका भी लॉजिक कुछ समझ में आता है, समझ में कम आता है। मृत्यु अगर किसी 22 साल के आदमी की हो गई तो उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, और स्थायी रूप से अपंग अगर कोई आदमी 50 साल का 60 साल का हो गया तो उसको आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, ये लॉजिक भी कुछ समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है। इसको भी खोलना चाहिए आपको कि कब मृत्यु होने पर कब पैसा मिलेगा। फैटलिटी पे तो पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, अब तो कम से कम 10,00,000 रुपए देना चाहिए।
और स्थायी रूप से अपंग होने पर कम से कम 5 लाख रुपए देना चाहिए, और आपने अंत्येष्टि पे 2500 रुपए रखा है, 1000 रुपए थी 2000 में, अब 2500 रखा है। मेरे ख्याल में अंत्येष्टि 2500 से 5000 किया है, अंत्येष्टि 5000 में, अंत्येष्टि का क्या मतलब? अंत्येष्टि के बाद उसको 1-2 दिन का खर्चा लगता है, आप लेबर को देना ही चाहते हो तो ढंग से दो ना, उसको भी सीमा 10000 तो करो कम से कम। अंत्येष्टि में आजकल 5000 में मैं तो नहीं समझता कि 5000 में अंत्येष्टि हो जाएगी और फिर उसका 3-4 साल तक कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा, फिर वो परेशानी की परेशानी रहेगी। इलाज पर आप रिइंबर्समेंट करना चाहते हो, मैं उसमें सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह हैंडलूम सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में एक इंश्योरेंस स्कीम चल रही है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का है, कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का है और कुछ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, उनको मिला करके प्रीमियम जमा करा दिया जाता है। और हैंडलूम वीवर अगर बीमार होता है, हैंडीक्राफ्ट का आदमी दस्तकार अगर बीमार होता है तो उसका इलाज फ्री होता है, एक हेल्थ कार्ड बना दिया जाता है। तो क्यों नहीं हैंडलूम, डीसी हैंडलूम और डीसी हैंडीक्राफ्ट से इसमें राय लेकर के उनकी स्कीम को इस वर्कमैनशिप में लागू करें? क्यों अभी आप प्रतिपूर्ति की बात करते हैं? मैं समझता हूं कोई आदमी वर्कर बीमार हो गया, उसने कहीं इलाज करा लिया, फिर वो लेकर के जाएगा कागज तो वो कहेंगे डॉक्टर के साइन नहीं, आपने ये दवाई कैसे लिख दी, ये दवाई तो हमारे यहाँ रिइंबर्समेंट में आती नहीं। उसको मेरे ख्याल में रिइंबर्समेंट लेते लेते ही 2-4 महीने लग जाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि इसमें आप जैसे हैंडलूम सेक्टर में और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से एक हेल्थ कार्ड बना करके इलाज फ्री सरकारी अस्पतालों में हो रहा है और कुछ चिन्हित स्थानों पर प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिकृत कर रखा है, तो वो योजना इसमें क्यों नहीं लागू करें? अगर वो करें तो ज्यादा बेहतर हो सकती है। मैं दूसरा बात जो ध्यान में लाना चाहता हूं मंत्री जी के, कि सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट और आईएलओ के कन्वेंशन, उसमें ये विचार बार बार किया गया कि वर्कमैनशिप, वर्कमैन एंड एम्प्लॉय क्या एक ही परिभाषा है? इसमें अपन एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये कानूनी अड़चन में कहीं जकड़ नहीं जाए, तो इसलिए इसको खोलना और इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल जो है वो रचनात्मक श्रमिक कल्याण की थीम पर आधारित होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कि भी किसी ने सजेशन कर दिए और लागू कर दिया। मैं एक अन्य सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहता हूँ, कमिश्नर की नियुक्ति पे। तो धारा 20 में आपने कहा है कि अब कमिश्नर की नियुक्ति होगी, उसको अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया आपने, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन में भी आपने इसमें चेंजेस प्रस्तावित किए हैं, इसमें राज्य सरकारों से आपकी चर्चा हुई या नहीं इसमें कोई उल्लेख नहीं है। और एक चीज जो बड़ी आपने इसमें कही है वो अच्छी चीज है, वी वेलकम दैट प्रपोजल, कि 3 महीने में उसका निर्णय हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अभी तक लेबर कोर्ट का और लेबर डिपार्टमेंट का जो हमारा अनुभव है, जो स्टेट गवर्नमेंट का अनुभव है, कई सालों तक निर्णय नहीं होता। अब आप कह रहे हो हम 3 महीने में निर्णय कर देंगे, मेरा इसमें सुझाव है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है 3 महीने वाला। अगर मान लो ये 3 महीने वाला प्रैक्टिकल है तो मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूं कि अगर 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, तो 3 महीने के बाद उस वर्कर को कम से कम इतना भत्ता मिलना चाहिए, इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी वो काम करते हुए ले रहा था, ये इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए, अन्यथा उस 3 महीने का कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज मैं इसमें अमेंडमेंट के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी और सरकार को, कि प्रस्तावित एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लागू है। ये ऐसा क्यों अड़चन इसमें डाली जा रही है? इसमें वर्कर को ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो चाहे जिससे लाभ ले सकता है इसके साथ इसको एक ऑप्शन दें तो ये इस एक्ट में ये बेहतर हो सकता है। मैं एक सुधार सदस्य कृपया समाप्त करें। हाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव कर रहा हूँ। मैं एक चीज और, ये मोटर व्हीकल एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किया और उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया वो फॉर्मूला बेहतर है,
तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसी फॉर्मूले के आधार पर अगर कंपनसेशन की राशि तय होगी तो वर्कर को ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो फॉर्मूला है, जब तक ये 4000 की आपकी वेज सीलिंग की कैप है इसको आप नहीं हटाएंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। एक चीज मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वर्कर खतरनाक इंडस्ट्री में काम करते हैं और मालिक ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लगा रखे हैं, हेलमेट नहीं दे रखे हैं, ग्लोव्स नहीं दे रखे हैं, मास्क तो नहीं दे रखे हैं वर्कर को, और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट की स्थिति में मैं ये कहता हूं कि उस वर्कर को राशि दुगनी मिलनी चाहिए। ये उस कारखाने के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी मेजर यूज करे, और अगर उसने सेफ्टी मेजर यूज नहीं किए, वर्कर को उपलब्ध नहीं कराए, सपोज इंश्योरेंस भी नहीं कराई, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में अगर कोई मृतक और अपंग हो जाता है कर्मचारी तो उसको वो राशि दुगनी होनी चाहिए, जितनी मिल रही है वो दुगनी राशि मिलनी चाहिए। मैं एक चीज और, अनऑर्गेनाइज लेबर के मामले में जो निर्माण कार्य करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि 20 फुट ऊंची बिल्डिंग पे जो निर्माण करते हैं उन पे अगर कोई किसी की डेथ होती है तब तो ये क्लेम मिलता है, और 20 फुट से नीचे 10 फुट हमारे जो, मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, वहां पर 10 फीट के ही मकान बनते हैं, 8 फीट के ही बनते हैं, 9 फीट के ही बनते हैं, वहां किसी के डेथ हो जाती है तो उसको क्लेम नहीं मिलता। ये अमेंडमेंट इसमें होना चाहिए, 20 फुट का इसमें ये बैरियर क्यों लगा रखा है, क्योंकि गांव में अधिकतर रूरल एरिया में 20 फुट से नीचे ही मकान बनते हैं और उसमें जो इंसिडेंट होते हैं उसमें उसको क्लेम नहीं मिलता है, तो ये भी इसमें एक अमेंडमेंट होना चाहिए। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनसेशन एक्ट में जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें मृतक के पत्नी व अन्य वारिसान के मानसिक संताप या पति पत्नी में कोई प्रेम बिगड़ गया, वंचित हो गया, तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान भी करना पड़ेगा, वो भी तो इस सोसाइटी का ही पार्ट है, हो जाता है कई बार, तो वो भी इसमें प्रावधान आपको डालना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं पुनः कि 4000 की कैप को हटाएं, और 3 महीने की जो आपने शर्त रखी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 महीने में अगर निर्णय नहीं हो तो उस वर्कर को इतना पैसा मिले जितना पैसा वो उस समय ले रहा था जब उसकी इंसिडेंट हुआ था। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय निरूपम।